सो ये चल दी हमारी टोली। बहुत दिनों से सोच रहा था इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का। हमारा जो हॉस्पिटल जाने का जो लास्ट रूटीन है, लास्ट क्या सेकंड लास्ट विजिट है, लास्ट भी हो सकती है, लेकिन कल भी जाना ही है, देखते हैं। बॉटल है, दिस इज आइस्ड वाटर एंड आई टेल यू इन अ मिनट कि ये आइस्ड वाटर क्यों लेके जा रहे हैं। यूजुअली आइस्ड वाटर इतना ज़्यादा पीते नहीं है। फोर क्या, आप तो कितने सुबह बता रही थी, कितने आवर्स रह गए? 48 आवर्स से भी कम रह गए। तो डे फोर मतलब 39 वीक्स, डे फोर मतलब फिफ्थ डे ऑफ द 39th वीक, तो मतलब डे सेवन, तो डे सेवन पे ही जाना है हॉस्पिटल। हाँ, लास्ट डे ऑफ 39 वीक। आज वेडनेसडे है, कल थर्सडे है, कल के बाद तो आज ट्यूसडे है, हमें थर्सडे को हॉस्पिटल जाना है। अच्छा, आज ट्यूसडे है। हमें परसों जाना है। और वे अभी कल हो जाएगा तब लगेगा, अब तो कल ही जाना। हाँ, मेरे को तो अभी वही फीलिंग आ रही है जैसे कल ही जाना है। मेरे को तो आज ही हालत खराब हो रही है। मैं बहुत ही जैसा नर्वस जैसा लगता है, लेकिन फिर मैं कुछ और करने लगती हूँ तो फिर ठीक है। सो हाँ, बहुत टाइम लग गया इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के अंदर, ऑलमोस्ट 9 मंथ्स लग गए फाइनली। बट आई जस्ट वांटेड टू कीप अ रिकॉर्ड कि हम लोग कैसे जाते थे और हाउ आर विजिट्स यूज्ड टू लुक लाइक रेगुलर विजिट्स। और हम आइस्ड वाटर की बॉटल वाज बेसिकली, कई बार जब इवान का हार्ट बीट टेस्ट कर रहे हैं तो अगर वो मूवमेंट नहीं करता तो डॉक्टर सजेस्ट करती है कि हैव सम कोल्ड एंड चिल्ड वाटर, तो उससे शायद उसके सर पे पड़ता होगा ठंडा पानी, तो हार्ट बीट के अंदर थोड़ी मूवमेंट आती है बीवी की। आइस पिघल गई, चल फिर भी पी ले। सो यहाँ पे क्या हुआ कि मैं रिकॉर्ड करना भूल गया जब हम फर्स्ट टाइम गए ऊपर, और स्टेज पे जाके मुझे याद आया कि अरे हमें तो पूरा एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करना था, तो मैंने तनु को वहीं पे ही छोड़ा एक सेकंड के लिए, एंड आई केम बैक और मैं दोबारा जा रहा हूँ स्टेज के ऊपर जस्ट सो दैट पता लगे कि कहाँ पे है। तो यहाँ पे जैसे ही एंट्रेंस के अंदर घुसते हैं, यहाँ पे कोई ना कोई आपको कॉल करता है आपको चेक इन करने के लिए क्यू के अंदर। ये जो लेडी है, ये जो चेक इन करने वाली है, शी नोज एंड शी नाउ रिकग्नाइजेज अस वेरी वेल। सो उसने एकदम से रिकग्नाइज किया कि हम लोग आ गए हैं और हमें देखती चेक इन कर देती है। पहले मुझे यहाँ पे बैठने भी नहीं दिया जाता था जब कोविड की बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे थे, आई वॉजेंट यहाँ पे अलाउड करते थे, बस इसके अंदर जहाँ पे डॉक्टर को विजिट करना है वहाँ पे मुझे अलाउड नहीं था। सो बहुत सारे अल्ट्रासाउंड जो हैं वो मैंने मिस किए हैं स्टार्टिंग के अंदर, बट या उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस खत्म हुई तो नाउ आई एम अलाउड टू गो इन। यूजुअली हमको थोड़ा वेट करना पड़ता है, बट अभी कुछ एक अपॉइंटमेंट से क्या हो रहा है कि दे जस्ट कॉल अस। अभी जैसे ही अंदर एक लेडी बुलाने के लिए आती है, एक नर्स, वन ऑफ द नर्सेज, एंड शी चेक्स हर टेम्परेचर एंड हर वेट। ये जो इसका मुक्के का साइन है, इसके अंदर इवान अंदर पंचिंग करने में फुल एक्टिव है। फाइनली डे आ गया। टुडे इज बेबी डे। I don't know, मतलब today is baby day or tomorrow is baby day, but I hoping today is baby day. अभी 6:12 हो गया है, है ना? 6:40 पे हमको वहाँ पे पहुँचना है। हाँ, लेकिन 15 मिनट की ड्राइव है, कल हम लोग ट्राई करके आ गए हैं देख के कि कहाँ पे जाना है, बट हाँ ऑल सेड एंड डन। सामान सारा पीछे लोड कर लिया है, अपना बैग वैग लैपटॉप सब कुछ। सो फाइनली वो दिन आ गया था जिसका हम पिछले 9 मंथ से वेट कर रहे थे। हमारी ड्यू डेट 17 जून 2022 की थी
बट डॉक्टर ने हमें 16 जून को ही एडमिट होने के लिए सजेस्ट किया। सो दिस इज़ आवर रूम। इस रूम को LDR बोलते हैं, दैट इज़ लेबर एंड डिलीवरी। सो बेसिकली लेबर एंड डिलीवरी दोनों ही इसी रूम के अंदर होती हैं। एंड दिस इज़ अ क्विक टूर ऑफ दिस रूम। रूम काफ़ी बड़ा और स्पेशियस था। ये जो सोफ़ा है, ये सोफ़ा एक्चुअली कन्वर्टेबल बेड है फॉर अ विजिटर या जो आपके साथ हॉस्पिटल के अंदर आपका पार्टनर है उसके लिए। आई शो यू जब मैं इसको ओपन करूँगा बाद में। तो दिस इज़ दी वॉशरूम। तो इसमें यहाँ पे जकूजी बना रखा है। तो जब बेसिकली जो पोर्स हैं इसके अंदर से गर्म पानी निकलेगा, तो इफ़ मदर वॉन्ट्स टू सेट एंड हैव अ हॉट शावर, तो यहाँ पे जकूजी में बैठो, आराम से अपना पानी लो और थोड़ा रिलैक्स करो अपनी बॉडी को। सो यहाँ पे तनिया गॉट ड्रेस्ड अप इन और हॉस्पिटल गाउन। सो थोड़ी देर के बाद एक नर्स आई जिसने तनिया का कोविड टेस्ट लिया एंड विद इन फ्यू मिनट्स ही उसका रिजल्ट आ गया था एंड थैंकफुली इट वाज नेगेटिव। सो हमारे हॉस्पिटल में एक पेशेंट को एक नर्स अलॉटेड रहती है फॉर डे एंड नाइट शिफ्ट। ये डे शिफ्ट स्टार्ट होने का टाइम था एंड हमारी अलॉटेड नर्स आने से पहले एक और नर्स आई IV लगाने के लिए, बट समहाउ उसे राइट नर्व नहीं मिल रही थी। सो शी कॉल्ड एन IV एक्सपर्ट जिसने विद इन फ्यू सेकेंड्स ही IV लगा दी। इन द मीन टाइम हमारी अलॉटेड नर्स भी आ गई थी। कैलिफोर्निया US में एक अकेली ऐसी स्टेट है जिसमें नर्स टू पेशेंट रेशो को मेंटेन करना ज़रूरी है बाय लॉ। सो हॉस्पिटल्स को इंटेंसिव केयर में एक नर्स पे 2 पेशेंट्स एंड इमरजेंसी में एक नर्स पे 4 पेशेंट्स चाहिए होते हैं। और हाँ, जब IV लग गई उसके थोड़ी देर के बाद ही हमारी जो OBGYN है शी केम टू द रूम और उसने सारे वाइटल्स और सब कुछ चेक किया, सिचुएशन चेक करी और तनिया की कंडीशन चेक करी। एंड यूजुअली वो पूरे इस प्रोसेस के अंदर रूम के अंदर नहीं रहती है डॉक्टर को जब लेबर का टाइम स्टार्ट होता है ओनली देन दे कॉल द डॉक्टर, बट डॉक्टर बीच बीच में आके विजिट करते रहते हैं। बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस तनिया के बैक के अंदर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। सो आई वॉज जस्ट रबिंग हर बैक फ्रॉम टाइम टू टाइम। और जब पेन अनबेरेबल हो गया देन वी डिसाइडेड टू हैव एपिडरल। सो एनेस्थेलॉजिस्ट आए रूम के अंदर एंड उन्होंने तनिया को एपिडरल दिया। उसे आराम तो हुआ बट उसके आफ्टर इफेक्ट्स ये रहते हैं कि यू फील सीवियर कोल्ड। सो यहाँ पे मैं तनिया को सॉक्स पहना रहा हूँ। हम लोग अपनी सॉक्स लेके गए थे घर से, बट देन जो हॉस्पिटल ने प्रोवाइड की वो आई थिंक हॉस्पिटल यूज़ के लिए वो बड़ी बड़ी कन्वीनियंट रहती है। सो इसलिए हमने वो यूज़ करी। पास में स्टारबक्स था तो आई गॉट सम कॉफ़ी और थोड़ा सा, तनिया तो कॉफ़ी नहीं पी रही थी बट मैं अपने लिए कॉफ़ी लेकर आया और तनिया के लिए सम रिफ्रेशर। कैंडी क्रश चल रही है ये है, बाकी कुछ नहीं। क्या चल क्या रहा है? लाइट कहाँ से चलती है? लाइट उसने कहाँ से बोली? रिमोट से ना। कहाँ रिमोट? तो ये रिमोट से ऐसे दबाओ और ऐसे लाइट जल जाएगी। और ये मेरा बेड है, बेसिकली सोफ़ा है। सोफ़ा कन्वर्ट हो जाता है बेड के अंदर। दिन में ये सोफ़ा था और इसको खोल के ये पूरा बेड बन जाता है, बहुत अल्टीमेट है। ऐसी बिछा लिया, सोने का तो टाइम है नहीं। और ये मैं अभी जाके, यहाँ पे जो डिनर मिलता है उसका टाइम केवल 7 o'clock तक होता है, लेकिन हम लोग इतना अपनी बातों में और इन सब चीज़ों में बिजी थे तो मैं भूल गया और फिर वो कैफेटेरिया बंद हो गया, तो मैं अब जाके पिज़्ज़ा लेकर आया हूँ। और ये सब तैयारी वो लोग अभी करके गए हैं बेबी के लिए, है ना। तो ये सब वो तैयारी कर गए हैं। ये डाइपर है, ये उसकी कैप है, ये उसका बूगी वाइप्स है, है ना। और ये उसके वाइप्स रखे हुए हैं, ये टॉल है उसका। वो है सेक्शन, दैट इज लाइक अ बॉडी वार्मर सेक्शन। अच्छा, ये पूरा, ये लाइट जलेगी तो यहाँ से बॉडी वार्म करने के लिए, अगर क्योंकि वो एकदम कपड़े तो नहीं पहना रखे होंगे ना उसको, तो ये पूरा एकदम बॉडी उसको वार्म रखेगा, उसको टेम्परेचर मेंटेन रखेगा। एंड देन दिस विल, ये जो जितनी भी मशीन है दिस विल मेजर ऑल द वेट हाइट जो कुछ भी उसका, जो भी इनको स्टैट्स चाहिए होंगे उसके, वो सब यहाँ पे मेजर होंगे। और ये हमारी जो नाइट शिफ्ट वाली नर्स है उसने आके लिखा है, शी वॉज वेरी नाइस, उसको नाम बहुत पसंद आया है इसका, इवान। एंड ये उसका बैसिनेट है। सो आफ्टर ही विल बी बॉर्न, लाइक उसके वहाँ पे उसको वाइप वाइप करके उसका मेजरमेंट्स लेके वैक्सीनेशन, देन ही विल कम डाउन टू दिस बैसिनेट और इसको बेड के साथ ही लगा देंगे, तनु के बेड के साथ ही। एंड देन मतलब हम दोनों के बेड के बीच में यहाँ पे आ जाएगा ये, एंड देन ही विल स्लीप।
ये सारे इसके तनों के सब रीडिंग्स वगैरह चल रही हैं, कितने हार्ट बीट क्या चल रही है बेबी की, तो वो 24/7 जब से आ रखे हैं तब से कॉन्टीन्यूसली बेबी की हार्ट बीट मॉनिटर हो रही है, एंड देन दीज कर्व्स दीज एलिवेशंस दीज आर द कॉन्ट्रैक्शंस दैट शी इज गेटिंग. सो 12:28 के ऊपर तन्या वॉज 8 सेंटीमीटर डायलेटेड एंड बाय 2 AM शी वॉज 10 सेंटीमीटर डायलेटेड. एंड देन एकदम ही पूरे रूम का सीन चेंज हो गया. काफ़ी नर्स अंदर आ गई, हमारी डॉक्टर आ गई, एंड देन देर वर मेनी पीपल अराउंड, और देन द प्रोसेस स्टार्टेड फॉर गेटिंग इवान आउट. आई कांट एक्सप्रेस दिस वेट टाइम इन वर्ड्स. एकदम ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था, एकदम ही डिफरेंट फीलिंग थी, नर्वस एक्साइटमेंट, लाइक इट वॉज मिक्सचर ऑफ ऑल दीज इमोशंस. एंड फाइनली हमने बेबी के रोने की आवाज़ सुनी एंड द बेबी वॉज आउट. ये मोमेंट बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था हम दोनों के लिए. इनफैक्ट मैं तो अपनी जगह से बहुत देर तक हिल ही नहीं पाया. इवन द बेबी वॉज बॉर्न एंड ही वॉज देयर, बट मैं तन्या के साथ ही खड़ा रहा फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम और हम दोनों रोते ही रहे. लाइक आई वॉजंट एबल टू स्टॉप माई टीयर्स, क्योंकि इतने 9 मंथ्स की बहुत बड़ी जर्नी रहती है एंड हर चीज़ का ध्यान रखना टू मेक श्योर बेबी इज़ ओके और नॉट, तन्या इज़ डूइंग फाइन और नॉट, हर चीज़ का ध्यान रखना, और फाइनली उस रिज़ल्ट को जिसका आप वेट कर रहे हो फॉर दिस लॉन्ग उसको देखना, इट्स अ वेरी वेरी इमोशनल मोमेंट. मैंने अभी तक तो बेबी को देखा भी नहीं था, बट फाइनली मैं बेबी के पास गया. मुझे जितने भी नर्स थे उन्होंने बुलाया. यहाँ पे US के अंदर, आई डोंट नो इंडिया के अंदर करते हैं कि नहीं करते हैं, बट यहाँ पे दे कॉल फादर टू कट द कॉर्ड इफ़ यू वॉन्ट टू, मतलब ऑप्शनल रहता है, बट हाँ आई वॉज सो एक्साइटेड टू डू दिस. और फाइनली मैंने इसकी वो कॉर्ड कट करी. और फनी बात यह है कि मैंने बेबी को ना तो उठाने की हिम्मत करी ना मैंने किसी से पूछा, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई बेबी को उठाने की. एंड देन फाइनली उसको साफ़ करके और सब उसके वाइटल्स वगैरह लेके दे गेव इवान टू तन्या, और फिर इवान तन्या के पास ही रहा. और थोड़ी देर के बाद फिर नर्स आई इसको वैक्सीन देने के लिए. और यहाँ पे क्या है कि एज अ मोमेंटो बच्चे के पैर के फुटप्रिंट लेके उसको एक पेपर पे या एक फाइल के अंदर लगा के देते हैं जस्ट फॉर यू टू कीप एज अ मेमोरी. सो यहाँ पे उन्होंने इंक लगा के उसके पैर के प्रिंट लिए. एंड देन फाइनली शी आस्क्ड कि जो इसके पैर पे इंक लगी हुई है वो तुम अपने हाथ पे उसका टैटू करवाना चाहते हो कि नहीं. मतलब टैटू इज़ लाइक बस टेम्परेरी इंक, उसको हाथ से साफ करते तो पोछ लेते. मुझसे बस गलती ये हुई कि इस मोमेंट के अंदर मैं उसकी उस प्रिंट की फ़ोटो खींचना भूल गया. दैट वुड हैव बीन अ ग्रेट मेमोरी. बट मैंने टैटू तो बट ऑब्वियस करवाया ही, एंड एटलीस्ट इस वीडियो के साथ एटलीस्ट वो मेमोरी है मेरे साथ हमेशा के लिए. और उसको कुछ बेसिक वैक्सीनेशन देने के बाद एक दूसरी नर्स आई जिसने इवान को पहला हेड वॉश दिया. सो नर्स ने इवान को हेड वॉश दिया एंड हेड वॉश करने के बाद वो सीधे आई. उसने पूछा तुमने बेबी को कभी होल्ड किया है कि नहीं किया, और पूछते पूछते ही उसने सीधे मेरी तरफ इवान को कर दिया. एंड दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जब मैंने इवान को अपनी गोद में लिया. Have you held him yet? First time. I just had to do it. I've done this before.